सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर मैं लाइव हूँ तो भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ ना बताओ, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़, विजिबिलिटी, चलो जल्दी से बताओ, आ रही है? बोलो भाई। आवाज आ रही है? जल्दी सब लोग लाइव आ जाओ भाई। आवाज और विजिबिलिटी जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। आवाज आ रही है? विजिबिलिटी कैसी है ये बताओ जल्दी से भाई। गुड आफ्टरनून भाई रामकिशोर जी, आ रही है? और विजिबिलिटी बता दो भाई, विजिबिलिटी। हाँ विजिबिलिटी है, सही सही। राधे राधे भाई, राहुल जी राधे राधे, सभी को राधे राधे। हाँ चलो भाई, अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? गुड, अब आफ्टरनून हो गया सत्यम जी, अब ये गुड आफ्टरनून हो गया है, ठीक? एक सेकेंड, मैं आप लोग कैसे चैट ऑप्शन ऑन कर लूँ जिससे मैं चैट देख सकूँ। राम किशोर जी सर, मेरे जैसा नाम नहीं है। मतलब भाई नहीं समझा, आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ चैट, चलिए भाई अब हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। सर कंप्यूटर क्वेश्चन, क्या सर कंप्यूटर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है? हाँ भाई आता है, क्यों नहीं आता है? इंग्लिश में बाईलिंगुअल पेपर होगा आप लोग का, पेपर जो आप लोग का होगा वो बाईलिंगुअल होगा, ठीक है? सर सर मेरी एसटी में 73% प्रेजेंट है। जैसे में शॉर्ट लिस्ट नाम नहीं है, कितना परसेंट आपका जैसे में? 73%। आई थिंक 73% में शायद नाम नहीं है, 74% के ऊपर गया भाई जैसे का, जैसे में एससी का 74% के ऊपर है शायद। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ तक मुझे ध्यान है 74% के ऊपर है। तो शुरू करें क्लास? आता है कंप्यूटर क्वेश्चन हिंदी में भाई, बाईलिंगुअल पेपर आते हैं, बाईलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है? और जितने लोग अब जल्दी से लाइक कर दो, ठीक? और क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साफ साफ? आपसे कम वालों का नाम है। अच्छा भाई, असल में क्या है ना कि 100 टाइम्स ले रहे हैं, कुछ इनका ऐसा सीन है। अब एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा, आप ये लोग 100 टाइम्स कुछ ऐसा करके ले रहे हैं। चलो आज शुरू करते हैं क्लास। पटवारी का भरे हो ना? पटवारी में ऐसा कोई सीन नहीं है। आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? क्वेश्चन सामने है सर, ऐसी जानकारी के लिए मैं आपका आभारी हूँ, थैंक्स भाई। चलो, बी विच ऑफ द फॉलोइंग हाई डिग्निटरी द राइट टू एड्रेस इट। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सत्यम जी का ऑप्शन बी आ रहा है, मंजीत जी का ऑप्शन बी आ रहा है, और इसका सही ऑप्शन भी है बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
इसका सही ऑप्शन भी है बी। ठीक, आगे बढ़े। मेरे टिक वाला ऑप्शन मैं वो ऑन करना आप लोग भूल गया, जिसमें पेन से टिक नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मैं मेरे वीडियो को पॉज करके, चलो सर करते हैं ऐसे ही, एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ना नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वेट करना भाई, बस एक सेकेंड वेट करना आप लोग का। चलो अभी लाइव हो गए, अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टैक्स वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवेन मच लेटर आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन अ स्मॉल वे इन 1994-1995। चलो, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन सर्विसेज या इनकम टैक्स? जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दो। सर मेरे से नाम नहीं, ऐसा क्यों कारण हो सकता है? देखते हैं भाई ऐसा क्यों। राहुल जी का ऑप्शन आ रहा है 33, टैक्स ऑन, अच्छा 3 होगा मतलब बेसिकली। ठीक है, हाँ 3। इसका सही ऑप्शन है टैक्सेस ऑन सर्विसेज। इसका सही ऑप्शन है 3, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, सेवाओं पर कर 1994-95 छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। टैक्सेस ऑन सर्विसेज 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। आप एक सेकेंड, आप लोग का पेन, चलो यार कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं आज। चलो, द फर्स्ट सुल्तान द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑप्टेंड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? जल्दी से बताओ। बलबन आंसर आ रहा है, अच्छा राहुल जी का आंसर है बलबन। और आगे बताओ भाई, बलबन के बाद 2 बलबन। सत्यम जी का भी बलबन आ रहा है, रामकिशोर जी फिरोज तुगलक बोल रहे हैं। अच्छा देखो, ये सारे क्वेश्चन ये एसएससी और आपके एनटीपीसी सब जितने एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डीडीए, हर सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश फर्स्ट। इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। ठीक है, अभी तक सही जवाब मुझको नहीं मिला था, इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। और जितने लोग पहले वीडियो तो लाइक कर दो भैया जी, राधे राधे, प्रकाश भाई राधे राधे। ठीक है, सभी को राधे राधे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो, इन 1937 एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इंडोर्सिंग गांधीज प्रपोजल्स फॉर बेसिक एजुकेशन थ्रू द वर्नाकुलर मीडियम वॉज हेल्ड एट। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन के लिए करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भाई हम तो रोज लाइव आते हैं प्रकाश जी, आप भी आया कीजिए, पढ़ा कीजिए। पहला ऑप्शन है सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, वर्धा। चलिए बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गुड मॉर्निंग रमता जी, गुड मॉर्निंग। इसका सही आंसर सब लोग दे दीजिए जल्दी से भाई।
अभी तक इसका आंसर नहीं आ रहा है। होगा वर्धा, फोर्थ ऑप्शन वर्धा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वर्धा इसका सही आंसर है। ठीक, वर्धा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो इसका जवाब दो। गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ पार्ट ऑफ, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण सत्याग्रह, गुड आफ्टरनून अलका जी, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? चलो भाई इसका सही ऑप्शन दे दो जल्दी से। बहुत सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सॉल्ट मार्च था वो सवे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। ठीक है, नहीं नॉन कोऑपरेशन नहीं था भाई, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। रामकिशोर जी डी सही है, सबका सही है। चलो, द डिमांड ऑफ नेसेसिटीज इज, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? इलास्टिक, परफेक्ट इन, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक? चलो भाई इसका आंसर दो जल्दी से। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? लोचनीय, पूरी तरह अलोचनीय, अलोचनीय या पूरी तरह लोचनीय? जल्दी से बताओ, इकोनॉमिक्स के सवाल। ए, अभी तक राम किशोर जी का बी ऑप्शन आ रहा है, नम्रता ए, सत्यम जी ए, राहुल जी ए, और इसका सही ऑप्शन है बी, परफेक्टली इन इलास्टिक, बी परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरी तरह अलोचनीय। द डिमांड फॉर नेसेसिटीज, वैल्यू एडेड मीन्स, वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ, वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट, आउटपुट एट मार्केट प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज लेस डेप्रिशिएशन, गुड्स एंड सर्विसेज लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट। चलो भाई इसका आंसर दे दो जल्दी से। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। चलो भाई चलो चलो चलो, इसका सही ऑप्शन दो जल्दी से। थ्री एंड सब ऑप्शन आ रहा है, अच्छा एक ऑप्शन मिला है तभी। सेफ स्कोर क्या रहेगा यार, 80-85 एबव ले आओ वो सेफ स्कोर है, 85 एबव रखो बिल्कुल सेफ स्कोर है वो, ठीक है, और उतना अचीव किया जा सकता है, बहुत हार्ड नहीं है 85 एबव। इसका ऑप्शन आंसर अभी तक नहीं आया भाई, कहां पर हो सब लोग? सिर्फ राम किशोर जी का आंसर आया अभी तक। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, गुड्स एंड सर्विसेज लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। चलो
हु डिसाइड्स अ बिल इज़ अ मनी बिल। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति? चलो अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ने के लिए बोलूँगा, क्वेश्चन छोड़ देना ठीक। क्या होगा? बिल्कुल सही, लोकसभा स्पीकर, दूसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्वर्टर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देख रहे हो कि इन्वर्टर प्लांट रिलेशनशिप सिंबल, जो सिंबल बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। पादक जल संबंधों में ये जो सिंबल है, प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोसिस? ये DDA के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एग्जाम के लिए NTPC के लिए होगा, SSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट DDA के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ओवरऑल सारे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है पेपर, मतलब क्वेश्चन ऐसे लिए गए, ठीक है। चलो मैं इसके आंसर मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, वाटर पोटेंशियल। इसका सही ऑप्शन है वाटर पोटेंशियल, ठीक, वाटर पोटेंशियल। मैं अगर पेन मैं इसका ले लेता हूँ ना, ब्रश, चलो मिल गया पेन, ठीक, वाटर पोटेंशियल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एंड एंटीजन इज, प्रतिजन क्या होता है? सही है, एंड एंटीजन इज, प्रतिजन क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, द अपोजिट ऑफ एंटीबॉडी, द स्टिम्यूलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन या द रेसिड्यू ऑफ एन एंटीबॉडी? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। ओवरऑल क्लियर करना है दीपेश जी, ओवरऑल क्लियर करना है, सेक्शनल नहीं है, ओवरऑल है। सही ऑप्शन, बिल्कुल सही, तीसरा, द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। नमता जी का आंसर बिल्कुल सही है, यश जी का आंसर भी बहुत बढ़िया। चलो द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, BIS एकेडमी कार्ड देखो कल आने वाला था, अगर आज नहीं आया तो मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन ये लोग करें, ठीक, या ये हो सकता है कि बाद में लोग लास्ट डेट इंक्रीज किया था फॉर्म भरने का, तो शायद एडमिट कार्ड बाद में थोड़ा सा दें। इसका सही आंसर कर दो जल्दी से भाई, बहुत सही, पंपास। यार GK तो तुम लोगों को बहुत तेज है यार, पैम पास, बिल्कुल सही, पैम पास। चलो सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन इज, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल, लैटरेट सॉइल, रेड सॉइल या माउंटेन सॉइल? चलो भाई जिसका जवाब दो। सही है, सही है, सही है, जवाब देते रहो, डरना नहीं है भाई। स्केप, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूं, लैटरेट सॉइल है, ठीक है, लैटरेट सॉइल, ठीक। हाँ ये आंसर तो आपका आना चाहिए भाई, ये आंसर तो आसान है, फोटोन इज अ फंडामेंटल यूनिट और क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, इसका आंसर सबका आना चाहिए। इसका आंसर सबका आना चाहिए भाई,
फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? ग्रेविटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की या लाइट की? बिल्कुल सही, लाइट की है। बहुत सही, बिल्कुल सही। चलो, द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट ओनली स्पिन, किस न्यूक्लियर कर्ण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रष्करण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन? न्यूट्रिनो, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन? इसका जवाब दे दो भाई। न्यूट्रिनो, कुणाल जी का भाई। ठीक है, अब देखना है कि पहले जवाब कौन देता है, पहले सही जवाब कौन देता है। ठीक, चलो, वॉट इज यूएसबी, वॉट इज यूएसबी, यूएसबी क्या है? अल्टीमेट सर्विस बेट, यूनिवर्सल सेंट बेट, यूनिवर्सल सीरियल बस या अर्जेंट सेंट बिट? मेरे सवाल का जवाब दे दो। चलो, बिल्कुल सही, यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब तेज हो चुके हैं। सही है, सही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? भाई पानी, खाना पीना, नाश्ता लेके बैठना, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। प्लैटिनम, मरकरी, आयरन, गोल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? इसको बता दो जल्दी से। अभी तक सिर्फ एक ऑप्शन आया है, दूसरा ऑप्शन भी आया है, और भाई, और नहीं, अभी तक सबका गलत आया। इसका सही ऑप्शन आयरन। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल के से तांबे का निक्षेप होता है? आयरन, ठीक है, आयरन लॉ। चलो, इसका आंसर सबका आना चाहिए। हाउ मैनी चैम्बर्स डज अ मैमोलियन मैमिलियन हर्ट हैव? ठीक, हाउ मैनी चैम्बर्स डज अ मैमिलियन हर्ट हैव? कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है, मैमिलियन? चलो, 4, 1, 2, 3। हाँ, चलो, अभी इसका सही ऑप्शन आ रहा है, 4। वेरी गुड, बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ क्रिकेटिंग लाइफ? अ क्रिकेटिंग लाइफ बुक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन, जेनकिंस, सुनील गावस्कर, कपिल देव, टोनी ग्रेग? इसका सही ऑप्शन मुझको बता दो जल्दी से। इसका सही ऑप्शन दो जल्दी से। स्किप नहीं भाई, इसको स्किप नहीं करना है, इसको बताना है। चलो जल्दी से बताओ। इसका सही ऑप्शन है, अ क्रिकेटिंग लाइफ के ऑथर हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, याद रखना, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
इसका जवाब दे दो जल्दी से। हाँ सही है। विच कंट्री हैव थ्री कैपिटल्स, विज, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल? चिली, मलेशिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका? चलो जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर दो भाई जल्दी से। साउथ अफ्रीका, बिल्कुल बहुत सही, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सही है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा नहीं है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। निक नेम्ड अल चापो गुजमैन इज अ क्या है? स्पेनिश मेटाडोर, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, इटालियन बाइक रेसर या अर्जेंटीना फुटबॉलर? चलो भाई आंसर तो जल्दी से इसका। बताओ 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 बताओ। मैक्सिको का नशीली दवाओं का ये तस्कर करते थे भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज, एसिड कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या साइट्रिक एसिड का? जल्दी से बता दो भाई। बताओ बताओ बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड सही है, सल्फ्यूरिक एसिड पहला ऑप्शन। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते भाई। ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्सीएसिड? चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? बता दो भाई। बिल्कुल सही, फ्लोरीन इसका सही ऑप्शन है। तुम लोग तेज हो चुके हो भाई सबके सब। चलो द एम्बियंट एयर इज स्टेबल व्हेन द एम्बियंट लैप्स रेट इज, परिवेश हार्श दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? न्यूट्रली स्टेबल, हाइपर एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक या सुपर एडियाबेटिक? चलो बताओ। ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। इसका आंसर नहीं यार नहीं पता सर जी। हाँ ये क्वेश्चन उतनी वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है डीडीए के लिए। इसका सही ऑप्शन है सब एडियाबेटिक, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर डीडीए एग्जाम बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी, सब एडियाबेटिक, एनटीपीसी और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो
द फिल्टर ओवर विच सीवेज इज स्प्रिंकल्ड इज कॉल्ड, जिस फिल्टर पर मलजल या सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिकलिंग फिल्टर, परकोलेटिंग फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड या इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर, बताओ इसका आंसर दे दो जल्दी से भाई। द फिल्टर ओवर द सीवेज ओवर विथ सीवेज इसका सही ऑप्शन मैं आपको मैं ही बता दे रहा हूं, ठीक है? अ ट्रिकलिंग फिल्टर। हाँ कुणाल जी शायद आना तो है, अ ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है ट्रिकलिंग फिल्टर। ये सब कुछ क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, डीडी के लिए सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ओवरऑल ले लिया कि किसमें भाई कुछ बच्चे एनटीपीसी के लिए भी तो हैं। हाँ अब ये बताओ ये आपका डीडी के लिए क्वेश्चन, चलो द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? बहुत चांस है कुणाल भाई, अब इतने पे नहीं होगा तो किस पे होगा, बिल्कुल चांस है। सिविल राइट्स, मोरल राइट्स, लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स, बताओ बताओ इसका सही ऑप्शन। सिविल राइट्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसका, इसके हैं नेचुरल राइट्स, ठीक है? नहीं नहीं लीगल राइट्स भी नहीं है, नेचुरल राइट्स है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ठीक है, नेचुरल राइट्स, नैसर्गिक अधिकार, कोई बात नहीं, नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, राम किशोर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। द बुद्ध ठीक, नागार्जुन, आनंद, असंग या पद्म संभव, जाके इसका इसका आंसर दीजिए। अभी तक एक आंसर आया भाई, फोर्थ, हाँ पद्म संभव, सही है बिल्कुल सही, पद्म संभव, पद्म संभव, तुम लोग तेज बच्चे हो यार। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है बताओ? पैम्फलेट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिटन बाय, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखी थी, वॉज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी? मार्किस लाफायेट, एडमंड बर्क, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन बताता है। इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ, FCS है, ठीक है FCS इसका सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, स्टैगनेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन, डिफ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसका सही ऑप्शन तो सबका आना चाहिए भाई।
इसका आंसर दे दो जल्दी से भाई सब लोग। किसी को ऑप्शन नहीं आ रहा है। 3, 2, 1 3, 2, 1 आ गया। कोई फोर वाला भी है भाई, दो भी बता दो जल्दी से। चलो 3, 2, 1 आ गया, लेकिन जो सही था फोर वो किसी का नहीं है, फोर ही सही ऑप्शन है। इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना, ठीक है। फोर्थ अलका जी और प्रिया जी का दो फोर्थ अभी आंसर मुझको मिला है, ठीक। चलो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर द हाइएस्ट। डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, दो ऑप्शन, ठीक। और दो ऑप्शन नीचे है, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज द हाइएस्ट और डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज द लोवेस्ट। इसका सही ऑप्शन मुझको जल्दी से बता दो भाई। चलो आंसर नहीं आ रहा है किसी का। किस देश का भुगतान से समावस्था में कब होता है, जल्दी से बता दो भाई। जतिन मिश्रा जी, राधे राधे भाई, नमस्ते। काफी देर लगा दिए भाई अपने आने में। और इसका सही ऑप्शन है दूसरा, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट, पर्सनल टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट या डेप्रिसिएशन, जल्दी से बताओ। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट, पर्सनल टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट या डेप्रिसिएशन, इसका आंसर दो भाई जल्दी से। और इसका सही ऑप्शन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भाई इकोनॉमिक्स के सवाल है, सब सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बता दूं कि आप लोग डीडीए के लिए करंट अफेयर और एक स्टैटिक जीके का वैसे मैं बना रहा हूं पीडीएफ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल का बन चुका है, इंडेक्स का, मतलब कुछ टॉपिक का आपका बन चुका है, वो आज बन जाएगा आजकल में, तो मैं आपको वो कल तक आपको वो ट्राई करूँगा, कल तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, मैं बना रहा हूँ। नहीं तो जीएस क्वेश्चन है उसमें से मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से फंस जाएँ, वो मैं इसमें से ऐसा कंटेंट में बना रहा हूँ, और पॉसिबिलिटी है कि मैं कल तक प्रोवाइड करूँ भाई। सब अकेले करना हो तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर दे दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिगार्डेड एज द होम ऑफ फैबियन सोशलिज्म, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। मेरे सवाल का जवाब दो। फैबियन सोशलिज्म, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जल्दी से। सही ऑप्शन अभी तक नहीं मिला, और इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड अंग्रेज, ठीक है, जहाँ पे हम लोग, मतलब जहाँ पे भाई वो लोग आए थे भाई, यही है जो जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल, बायोलॉजी क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन एनिमल इज, साइटोक्रोम, सेलुलोज, क्लोरोफिल, कैरोटीन। चलो रामकिशोर जी, आपकी इंग्लैंड की स्पेलिंग गलत है,
क्लोरोफिल सबका आंसर आ रहा है ना? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है साइटोक्रोम। इसका सही ऑप्शन क्या भाई? साइटोक्रोम। ठीक, साइटोक्रोम इसका सही ऑप्शन है। हाँ, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इसका ऑप्शन दो, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपरिन या फाइब्रिन। चलो जल्दी बताओ। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसका सही ऑप्शन दो जल्दी से। हेपरिन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है, हेपरिन, हेपरिन बिल्कुल सही जा रहे हो। तुम लोग तेज हो चुके हो यार। भाई क्लास थोड़ी सी लंबी हो तो दिक्कत तो नहीं है यार, बोल देना। सरफेस इज नोन एज, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, एग्जोस्फियर, आयनोस्फियर, मिसोस्फियर। चलो सही है, एग्जॉस्फियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो मतलब सही था, नॉर्मल था। चलो आगे आओ। समोच्च रेखाओं कैसे स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है? कॉन्टर्स आर द लाइन्स विच आर ड्राइंग ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। सही है विपिन जी। इक्वल रेनफॉल या इक्वल एयर प्रेशर या इक्वल टेम्परेचर। चलो, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, सम वर्षा वाले, सम वायुदाब वाले, सम तापमान वाले। इसका सही आंसर मुझे जल्दी से दे दो। बिल्कुल सही, इक्वल हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। बिल्कुल सही, सबका सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जीएस तो तेज है यार आप लोग का। Which states separates Australia and Tasmania? चलो बताओ। ओके जिया गुप्ता जी, बिल्कुल मैं इसको देख लेता हूँ। बास, बेबेल मंडेप, पाक या बेरिंग। चलो बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट। ठीक है, बिल्कुल सही है विपिन जी, बहुत सही जवाब। सही है, सही है, बास स्ट्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है यश जी, आज चार क्लास मैंने डाला हुआ है, बाकी मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल लेके आता हूँ। ड्यू टू डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सेंट्रल पिटल फोर्स। चलो मेरे इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दो भाई। अंकित जी का जवाब आया है अभी तक। और इसका सही ऑप्शन है विस्कोसिटी। बिल्कुल, इसका सही ऑप्शन क्या है? विस्कोसिटी। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल यश जी, बिल्कुल सही है, विस्कोसिटी। चलो, द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग।
TCP, J2ME, मतलब या ब्लूटूथ। इनके अलावा मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे? और बेस्ट क्वालिटी देखो कल आ जाना चाहिए था, नहीं आया, डेट कुछ आगे बढ़ा है। मैंने बात करने की कोशिश किया था, उन्होंने कहा कि अभी डेट एक्सटेंशन का ऐसा कुछ मूड नहीं है, अगर होगा तो नोटिस बताएंगे। एग्ज़ाम अभी तक पोस्टपोन करने का कोई सीन नहीं, उनके पास तक नहीं इंक्वायरी आई, मतलब बात आई है, ठीक है, इस मुझे सही आंसर दे दीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर कल तक नहीं आया तो पोस्टपोन हो सकता है, डेट हो जाए, क्योंकि 8 नवंबर को कई एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि पोस्टपोन हो सकता है। और इसका सही ऑप्शन है ब्लूटूथ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ब्लूटूथ सही है, सही है, सही है, ब्लूटूथ। हाँ सही है भाई जतिन जी, ठीक है, मैं बता दूंगा समाज संधि वाला, आप लोग टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जब समाज संधि आप लोग टॉपिक सब पढ़ लोगे ना, देखो टॉपिक तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग क्वेश्चन के लिए बोलोगे तो मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा, उससे उसकी पक्का है। आप लोग समाज संधि वाक्य सब पढ़ लो, और आप लोग जब बोलोगे टॉपिक पढ़ा रहे ये क्वेश्चन कराने के लिए, तो मैं उसी दिन क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, क्वेश्चन तो मेरे पास सब पढ़े रखे हुए हैं, ठीक है, वो सेलेक्टेड है सब अच्छे अच्छे। इसका आंसर दो, इन अ पीरियड फ्रॉम इट इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम, जी भाई जी से करंट अफेयर रीडियो में कम से कम जैन से तो पढ़ लेना, जैन से लेके 15 अक्टूबर के आसपास तक, ठीक है, ज़रूर से पढ़ के जाना, ठीक। ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, एन के अलावा जी मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही, इंक्रीजेस सही है, सही है, चलो आगे बढ़ो। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन कैटल विच इज, बता दिया बेसो कॉलेटर भाई मृत्युंजय जी, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सैंग्विवोरस या हर्बीवोरस। करेंट अफेयर क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, चलो इसका आंसर तो मुझको जल्दी से। लीच, नहीं वो हर्बीवोरस है भाई, लीच एक हर्बीवोरस कैटल है, हर्बीवोरस, ठीक है, नॉट रक्त पिपासु इस तृण बक्षी, हर्बीवोरस, ठीक, हर्बीवोरस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आप एक बार चेक कर लेना अंकित जी, वैसे वो हर्बीवोरस ही है, ठीक, मैंने देख लिया है, ठीक। इसका आंसर दो, व्हेन आर्सेनिक एटम्स आर एडेड टू जर्मेनियम लेटिस इट बिकम्स अ, ऑप्शन मुझको बता दो जल्दी से। और कोई इसका सही ऑप्शन बता दो भाई, अभी तक सही आंसर मुझको मिला नहीं है इसका। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, इंसुलेटर नहीं है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, आज मेरा नेट खत्म हो रहा है बहुत, ठीक है भाई मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे कर दूंगा,
ठीक है, चलो। हालांकि इससे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर DD एग्जाम। चलो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू राज्यसभा, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1958, या 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मुझको सही जवाब जल्दी से दे दो। जतिन जी कोई बात नहीं ना, तो लोग तो थोड़ा बहुत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब आप लोगों का प्यार मिले बस, और क्या चाहिए। चलो बिल्कुल सही जवाब, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1958, ये नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलत है, ठीक। ये हुआ था 1958 नहीं था, 1952 था, 1952, ठीक है, 1952, बिल्कुल सही रजनी जी, बिल्कुल सही, तुम्हार जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, द लार्जेस्ट कोल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या क्यूबा। मेरे सवाल का सुंदर सा जवाब दे दो जल्दी से। नहीं, क्यूबा नहीं है दोस्त, अंकित जी क्यूबा नहीं है, यश जी क्यूबा नहीं है, चलो क्यूबा नहीं है, चलो मैं 50-50 कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए 50-50, ऑप्शन 2 और 3 में है, चलो जल्दी से बताओ, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, आप लोग एक लाइफलाइन में दे दिया, एक लाइफलाइन आप लोग खो दिए अपना, चलो मतलब दो ऑप्शन है, 50-50 में कर दिया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, अब बताओ मुझको सही ऑप्शन। अब सबका आंसर आना चाहिए भाई ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में से, जल्दी से बताओ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सही है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसको ला चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर यूज्ड बाय डाइवर्स। चलो बताओ, देखो अंकित भाई सिलेबस में साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप सिलेबस देखो तो उन्होंने साइंस लिखा हुआ, साइंस के क्वेश्चन जानते हैं, मुझे लग रहा है पूछे भी जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बहुत हार्ड तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ कि उतना डीडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, उन्होंने सिलेबस में पूरा दिया हुआ है, सिलेबस में सब कुछ वो पूछेंगे, ठीक है, अब उसको इसका आंसर दो जल्दी से। सही है, हीलियम, हीलियम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर में जो काफ़ी कुछ अभी नई चीज़ें प्रोग्राम्स आई हैं वो सब तो मैं आप लोग लेके आ रहा हूँ, अभी बन रहा है तो वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलो इसको बता दो, द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन टू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्क्यूटोज। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों का नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, स्नेल, क्रैब, डॉग फिश या गैम्बोशिया फिश।
राम किशोर जी, मैं देख लूंगा कितना परसेंटेज है आपका। फोर्थ ऑप्शन गैम्बुशिया फिश। भाई देखो, अगर लिस्ट में नाम होगा तो फिर आप जरूर दे पाओगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार दोस्त। अभी लोग 100 टाइम्स ले रहे हैं, इन लोग का क्या सीन है। चलो इसका आंसर दो, ऊपर वाला मैं हटा दिया, उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, ठीक है। तो मैं इम्पोर्टेंट कर लेते हैं या बोलो ठीक। हु वॉज द फर्स्ट पॉस्थुमस रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। हाँ मैं बताता हूँ, फिर वो 74 के ऊपर गया भाई। जतिन जी मैं करवा दूंगा, ठीक है, करवा दूंगा जतिन जी, टेंशन नहीं लो, 4 क्लास में लिया हूँ, बाकी मैं ले लूँगा, ठीक है। और बहुत इसी वीक में हो जाएगी क्लास, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका सही ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। चलो गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज, काउ गाय की गर्भावधि क्या है। चलो फिर राम किशोर जी, एक बार अपना ध्यान फिर से, क्योंकि बहुत बच्चे का शुरुआत में बोलते नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर बाद में देखे तो मिल गया, तो एक बार आप फिर से उसको ध्यान से देख लो, ठीक है, हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि ऐसे कई बच्चों के साथ हो चुका है, ठीक। इसका सही ऑप्शन दो जल्दी से, बिल्कुल सही, 274 से 280 दिन, 274 से 280 डेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको बताओ, द पर्पस ऑफ चोक इन अ फ्लोरिसेंट लैम्प इज, द पर्पस ऑफ चोक इन अ फ्लोरिसेंट लैम्प इज, फ्लोरिसेंट लैम्प में चोक का प्रयोजन क्या है। टू इंक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटेरली। चलो भाई सी ऑप्शन आ रहा है, अच्छा एक ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया, डिक्रीज तो सही पकड़ रहे हो लेकिन ऑप्शन गलत पकड़ रहे हो। टू डिक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द करंट फ्लो, ठीक है, करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को कम करना, ठीक है, चोक का पर्पज होता है, ठीक। तो इसको बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। ऑप्शन बता दे रहा हूं भाई, राइस, मस्टर्ड, बीटी कॉटन या वीट। चलो भाई इसको बता दो, ठीक तेज का तो इतना लेवल है यार, बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, मैं तो देख के दंग रह गया कि यार इतना कैसे आ सकता है,
700 भी एक नहीं दो दो बच्चे बताओ, 720 में से 720 बहुत मायने रखता है यार। इन केस ऑफ अ डेड लॉक, मतलब कि लड़का सब कुछ जानता है, समझ रहे हो, लेवल ये है, मतलब सब कुछ जानता है, सब कुछ है ही नहीं जो ना जानता हो। इन द केस ऑफ डेड लॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द ज्वाइंट सीटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, हाँ लॉकडाउन का असर कह सकती है नम्रता जी, प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट। इसके आंसर दो जल्दी से। चलो भाई इसका आंसर दो। सही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राधे राधे भाई, सुमित जी राधे राधे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यार जितने लोग एटलीस्ट लाइक वाइक कर देना ठीक है, और शेयर वेयर करते रहे, तुम लोग शेयर नहीं करते वीडियो, इतना आप लोग एक कंटेंट ला रहे हो बना बना के। चलो द नेशनल पुलिस, नहीं तो मैं भी मैथ्स पढ़ाता बस। द नेशनल पुलिस अकेडमी इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है जल्दी बताओ, देहरादून, हैदराबाद, बेंगलोर या आबू रोड। कोई बात नहीं सुमित भाई, जो है उन्हीं का निकलेगा। चलो हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद है, हैदराबाद ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी। हैदराबाद में है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये है मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1950। ऑब्वियस बिल्कुल, तो क्या, दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट यूनिवर्सिटी, जिसको जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, BHU, पंडित मोहन, अरे सो पंडित मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्याम चरण दे। चलो भाई इसका सही ऑप्शन बता दो जल्दी से। बिल्कुल पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बहुत ज़बरदस्त कैंपस है, बहुत ज़बरदस्त कैंपस है BHU, बहुत बेहतरीन। कभी मौका मिले तो आइएगा ज़रूर, इस कैंपस को देखिएगा ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ दीने इलाही, निम्नलिखित में से कौन दीने इलाही का सदस्य बना, टोडरमल, राजा बिरबल, राजा मान सिंह या तान सिंह। चलो भाई इसका आंसर दो। बिरबल, बिल्कुल सही, राजा बिरबल, राजा बिरबल ठीक है, नहीं तान सिंह ठीक। चलो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर कैपिटल, डिक्लेयर दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज। चलो भाई इसको बताओ, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज, इल्तुतमिश, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। इल्तुतमिश, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, इल्तुतमिश, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर DDA, आप लोग देख लेना, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ ठीक है, आगे बढ़े। चलो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ अच्छा आप लोग को, ये वाला द सॉफ्ट सिल्क, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सीजियम, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर डीडीए, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following cases propounded the concept of basic structure of the Indian Constitution? चलो जल्दी से बताओ। इंद्र सहानी केस, एस आर बोमाई केस, रुदल शाह केस या नन ऑफ दिस? चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। नहीं, इंद्र साहनी भी नहीं है और एस आर बुमाई केस भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। फोर्थ ऑप्शन, यार स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस केशवानंद भारती केस, भूल गए क्या? वो था बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती अभी रिसेंटली में एक्सपायर भी हुए, मतलब एक्सपायर हो गए थे, केशवानंद भारती केस, ठीक है, नन केशवानंद भारती केस इसका सही आंसर था, ठीक है। चलो, डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी या बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी? इसका सही ऑप्शन बताओ। बिल्कुल, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सब तेज हो चुके हो, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हाँ, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो केस हुआ था पूरा एग्जैक्टली वो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस केशवानंद भारती केस था, ठीक है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना बात बताया था पूरा अपना, क्या बोलते हैं उसको, ये बोला जाता है ना, चलो कोई बात नहीं, अब समझ जाओ कि उन्होंने क्या था, वो मेन था केशवानंद भारती केस, ठीक है, आ जाओ। विच वन ऑफ दिस एनिमल्स इज जॉलेस? ठीक, स्फिरना, ट्राइगोन, मिक्सिन या शार्क? इस क्वेश्चन का जल्दी जवाब दो, बढ़िया सवाल है। सुशांत जी का सही ऑप्शन आया मिक्सिन, बिल्कुल बिल्कुल, दिस क्वेश्चन इज डेंजरस भाई, डेंजरस क्वेश्चन ही लिए गए, ये लगभग सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है किसी डीडी, ये लगभग सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसका आंसर दे दो जैसे सही से मुझको। कंपटीशन फॉर फूड मिक्सिन, बिल्कुल, कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स? चलो बताओ, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स या डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट? बढ़िया सवाल, मैं ही बता देता हूँ इसका। चलो नीचे समझ गया, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, सुमित जी का बिल्कुल सही जवाब, सही है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अंकित जी का भी सही, प्रिया नेगी जी का भी सही। ये बताओ, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एन एनिमल राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अ पीस मूवमेंट, एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल,
मेरे सवा। चलो जल्दी मेरे सवालों जवाब दे दो जल्दी से। इस सवाल का बहुत जल्दी से जवाब दे दो। सही ऑप्शन है फोर्थ, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम, बफर हो रही है क्या सर? बफरिंग हो रही है, रुक जाओ। अच्छा मैं ये यहाँ से सिस्टम बंद कर दे रहा हूँ, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो वेट करो, बस एक सेकेंड वेट करो यार। 50 MB देखो यार, नेट की जो मैं लगाया 50 MB लगाया, अगर ऐसी दिक्कत होगी फिर मैं 100 करवा दूंगा इसको, ठीक है? क्योंकि मुझे लगा कि 50 तक ठीक चल जाएगा, क्योंकि मैंने कई लोगों से कंसल्ट करने के बाद इसको लगवाया, तो उन्होंने कहा कि 50 ठीक चल जाएगा, जब सही नहीं चल रहा तो फिर मैं 100 करवा दूंगा इसको, ऐसी कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक 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 मैं भी इसको सही कर देता हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं, मैं इसको भी सही कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो तो इसका आंसर दो, इसका आंसर दे दो जल्दी से। चलो बताओ, अभी दिख रहा है, अभी बफर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब नहीं होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था? यस, ये वाला क्वेश्चन था। चलो और इसका सही ऑप्शन बता दे रहा हूं। सब लोग कार्बन, कार्बन क्यों बोल रहे हो जब इसका सही ऑप्शन ट्रांजिशन मेटल्स है? तो अभी ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल्स। अब मैं नेट में 100 MB करवा देता हूँ, 50 MB हो सकता है, कुछ दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों है? 50 MB काफ़ी होता है, बट कोई नहीं, मैं इसको 100 करवा देता हूँ, ठीक है? चलो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज कॉल्ड। चलो जल्दी मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे दो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल सही, BOT, बिल्कुल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सौरभ जी हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। चलो एडिशन ऑक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट टू अ लेक इज रिफर्ड टू एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट या हीट ब्लूम। चलो भाई इसका सही ऑप्शन मुझको जल्दी से दे दो। आप लोग हीट ब्लूम क्यों कर रहे हो, जो कि इसका सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ताप प्रदूषण। हाँ थर्ड ऑप्शन, ठीक थर्ड ऑप्शन होगा, बिल्कुल थ्री होगा, थर्मल पॉल्यूशन। चलो ये बताओ, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये वाला, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है। द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इज लेस द रियल वेट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ द यूनिफॉर्म स्पीड,
द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड या द लिफ्ट इज डाउन विथ एन एक्सेलरेशन। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, इसका आंसर सबका आना चाहिए, वो भी सही। हाँ, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। राम किशोर जी गलत, टू ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ होगा। द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन, समझे, विथ एन एक्सेलरेशन। अरे देखते नहीं हो जब लिफ्ट से आते हैं या जब झूला झूलते से, जब नीचे आती है तो आपकी बॉडी हल्की होने लगती है क्योंकि बहुत इस पर अच्छी स्पीड से होती है। ये तो सिंपल, ये तो आप अपना महसूस किए होगे। चलो अल्फा दे दो, मेरे सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दे दो जल्दी से। इसका बिल्कुल, इसका सही ऑप्शन है फंगी, बिल्कुल सही फंगी। सौरभ जी बिल्कुल सही फंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अलगी नहीं होगा, फंगी होगा, फंगी फंगी फंगी, ठीक है। चलो दिस नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखना हो तो देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। चलो इसको बताओ, शिकोजोइट, ट्रोफोजोइट, स्पोरोब्लास्ट या स्पोरोजोइट। अब बफरिंग नहीं करना चाहिए भाई, अब बफरिंग नहीं होना चाहिए। सुशांत जी एक बार आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलो इसका आंसर मुझे बता दो जल्दी से, एक बार आप रिफ्रेश कर लो, जब आप बफर कर रहा हो तो फिर सही हो जाएगा भाई। फोर्टी फाइव का फोर, मैं बता दे रहा हूँ इसका फोर, स्पोरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट बिल्कुल। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून इज। चलो इसका आंसर मुझको दे दो। इसका दो, इसका दो। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून इज वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल नहीं है भाई, तमिलनाडु है, बिल्कुल तमिलनाडु, तमिलनाडु। सौरभ जी ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया आपका? हाँ ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्वेश्चन सही वाला होना चाहिए, ठीक ठीक तमिलनाडु बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट पॉपुलेशन, अ पॉपुलेशन एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट एंड अ बायोटिक कम्युनिटी। इसका मुझको सही जवाब दे दो। बिल्कुल पहला पहला, बिल्कुल पहला सही जवाब, सही जवाब। सब तेज हो चुके हो, सही है फर्स्ट भाई। अभी तो मैराथन क्लास चल रही है, देखो जब तक आप लोग सपोर्ट दे दो तब तक चल जाएगी, ठीक है। करते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडोज एनटी। विंडोज एनटी की क्या विशेषता है? सपोर्ट्स रियल टाइम प्रोसेसिंग, सपोर्ट्स लैन वैन, सपोर्ट्स बैच प्रोसेसिंग, सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग। चलो बताओ इसका सवाल, मतलब बताओ इसका जवाब, सवाल के बताओ जवाब बताओगे ना। हाँ भाई मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन भाई, जब जीए पढ़ा तो जीए में तो सब आ जाएंगे ना। चलो
इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। और ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है। चलो स्पीड तेज कर दें, चलो स्पीड तेज कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन है सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग, बिल्कुल सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। चलो अब इसका बताओ, इन इंडिया डगोंग्स इज फाउंड इन द बायो रिजर्व साइट ऑफ। चलो स्पीड तेज कर देते हैं भाई, डिमांड आ रही स्पीड तेज करने की, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से, आप लोग जितना जल्दी आंसर दोगे मैं उतना उतना जल्दी स्पीड तेज कर दूंगा। मैं तो आप लोग ऐसे बस रुक रहा हूँ, आप लोग जवाब का वेट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितना तेजी से आंसर दोगे स्पीड उतनी तेज रहेगी। गल्फ ऑफ एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड व्हेन इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, इट्स प्रेशर इज मिनिमम, इट्स थिकनेस इज मैक्सिमम, इट ब्लोज ओवर द बैरन लैंड। सही ऑप्शन दो जल्दी से इसका। यश जी का आंसर आ गया है, अच्छा सौरभ जी का भी आंसर आ गया है। इट कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो द एब्रीविएशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। लाइट हीट कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लॉन्ग हैवी कोलाइडर या लार्ज हाई कोलाइडर। इसका सही ऑप्शन दो जल्दी से। सही 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 दो जल्दी। फोर्थ आ रहा है, अच्छा सौरभ जी का आंसर फोर्थ आ रहा है। चलो मैं बता दे रहा हूँ इसका सही ऑप्शन है, हाँ लार्ज हैड्रॉन। सौरभ जी सब दो दो ऑप्शन बता दिए, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन होगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सेकंड ऑप्शन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। USB इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, बताओ ऑक्सिलरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जवाब दो इसका बहुत जल्दी। जल्दी 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 जल्दी, ऑक्सिलरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, थर्ड ऑप्शन सेकेंडरी। अंकित जी नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी है, सेकेंडरी। ऑक्सिलरी भी नहीं है, सेकेंडरी है, ठीक है। चलो हालांकि वैसे एक चीज जान लो कि सेकेंडरी को ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, वैसे सेकेंडरी को ऑक्सिलरी, सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी भी वैसे बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज ट्रेवल इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी, विच ऑफ दीज ट्रेवल इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी, रेड लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट। अच्छा इसमें तो कुछ टिक भी है कुछ आंसर, चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ आंसर आपके टिक भी हैं। वायलेट ऑफ कोर्स, बिल्कुल वायलेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया का रेलवे सिस्टम कब एस्टेब्लिश हुआ था भाई साहब। अट्ठारह, बहुत बढ़िया, 1853, ठीक है। कुछ आंसर इसमें टिक भी है कोई बात नहीं, दो ही चार ज़्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज द ओल्डेस्ट, हाँ मतलब दो ही चार में लगा हुआ है, टिक टेंशन नहीं लो, ज़्यादा में नहीं है, ठीक है। चार पांच क्वेश्चन में ही है, आने वाले चार पांच क्वेश्चन मिलेगा, बाकी में टिक नहीं है, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट,
मैं देख रहा था कौन कौन से क्वेश्चन लेना है, तो डैट आंसर पे टिक हो गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है क्या? अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स, हाँ मुंबई टू ठाणे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मुंबई टू ठाणे। ठीक रामकिशोर जी, स्पीड इंक्रीज, भाई अब तो स्पीड इंक्रीज हो गई, और तेज़ी से इंक्रीज कर दूँगा समझ में ही नहीं आएगा। अजंता के, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द बहमानीस? चलो राज रेवा राय, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकेंड या बुक्का? ये बुक्का रेड्डी नहीं है, इसका सही ऑप्शन है हरिहर सेकेंड। ठीक है, हरिहर सेकेंड, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सही। चलो टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है क्या? 10 years। ठीक 10 years, बिल्कुल। चलो मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मधुबनी कहाँ का है पॉपुलर पेंटिंग, फोक पेंटिंग कहाँ है, कहीं कहाँ पे पॉपुलर है भाई? ये है बिहार का। ठीक है बिहार, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। द फिनोमिनन विच कॉज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसका सही ऑप्शन है, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, बस अगर एक क्वेश्चन और टिक है उसके बाद कोई टिक नहीं है। चलो विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया? ठीक है यश जी, विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया? सलेम, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली? ऑप्शन चंडीगढ़, ऑप्शन चंडीगढ़। हाँ भाई चलो अब आंसर टिक करता हूँ, अब यहाँ से आपका शुरू है। चलो बताओ अब द फास्टेस्ट, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज? चलो बताओ, डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी या शैशे? बिल्कुल सही ऑप्शन शैशे, कैशे बोलो चाहे शैशे बोल लो। ठीक है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 years टू 18 years? कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 64, 60, 61, 63? जवाब तो बहुत तेजी से आना चाहिए, इसका जवाब तो, इसका जवाब बहुत तेजी से आना चाहिए। 61, बिल्कुल सही, ये गलत किए होते तो पिटाई खाए होते सब लोग। चलो बताओ, एटम्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स? सुषमा जी गलत जवाब, ये गलती नहीं करना भाई, आइसोटोप बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है क्या? आइसोटोप, बहुत बढ़िया। जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज? जनवरी 15 को किस रूप में मनाया जाता है, लेबर डे, आर्मी डे, रिपब्लिक डे या मकर संक्रांति? वैसे उस 14-15 के आसपास मकर संक्रांति पड़ जाती है, लेकिन वो आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है आर्मी डे, चलो भाई। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, रिकेट्स या पेलाग्रा? बिल्कुल सही जवाब, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौन दी। ठीक है, द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक सीड्स किसने लिखा है, जल्दी बताओ।
हम बता दे रहे हैं इसका भाई सही ऑप्शन है वीएस नायपॉल। मैजिक सीट्स के ऑथर है कौन? वीएस नायपॉल, बिल्कुल सही अंकित जी, बिल्कुल सही वीएस नायपॉल। ठीक है वीएस, बिल्कुल। चलो वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा, गंगोत्री, करण प्रयाग, देव प्रयाग या रुद्र प्रयाग, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। देव प्रयाग, बिल्कुल सही जवाब देव प्रयाग, बिल्कुल बढ़िया देव प्रयाग इसका सही आंसर है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर कैपिटलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बाय, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जर्क विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? इसका शूमपीटर, कार्ल मार्क्स, हैंसेन या मुझे लग रहा था कि सब कार्ल मार्क्स बोलोगे, मुझे डाउट था कि यहाँ जो भीड़ है ना वो कार्ल मार्क्स की आने वाली है। इसका सही ऑप्शन है शूमपीटर, सही ऑप्शन क्या है शूमपीटर, ये ऑस्ट्रियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है शूमपीटर, ठीक कार्ल मार्क्स नहीं है, सारे के सारे ऑथर कार्ल मार्क्स सारे मतलब इन्होंने नहीं दिए भाई कार्ल मार्क्स। ठीक है देखो प्रकाश जी भी आए तो भी कार्ल मार्क्स बता दिए, रामकिशोर ठीक है चलो आ जाओ। जे बी शेज लॉ ऑफ मार्केट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय, एडम स्मिथ, मार्शल या मैल्थस या डेविड रिकार्डो, इसका ऑप्शन दो जल्दी से। इसका सही ऑप्शन है भाई माल्थस, ठीक है मार्शल नहीं है माल्थस है, माल्थस थर्ड ऑप्शन। कार्ल मार्क्स और मार्शल इसके लोग बहुत आंसर मारते हैं, देखो एक है जेन किन्स भी है उनको भी लोग मारते हैं आंसर, वो नहीं है सबके ऑप्शन ये नहीं होते भाई, माल्थस इसका सही आंसर है। ठीक है द नेशनल एम्बलम ऑफ इटली इज, इटली का नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ईगल, व्हाइट ईगल, व्हाइट लिली या लिली, जल्दी बता दो भाई। व्हाइट लिली, बहुत सही। चलो Which of the फॉलोइंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शलिटी, पार्टीशन, टेम्पररी पॉलिटिक, ऑल ऑफ द अबव, पक्षपात कैसे हो सकता भाई आंचल जी, पक्षपात नहीं हो सकता ना, फर्स्ट होगा न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शलिटी, ठीक है फर्स्ट होगा। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी, फ्रेडरिक विलियम, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क या विलियम थर्ड, चलो जल्दी से बताओ भाई। हिटलर, हिटलर, हिटलर सही है, सही है, सही है, सही है ये जवाब। एजरा कप किस गेम से संबंधित है, जल्दी बताओ। एजरा कप रोइंग, पोलो, हॉकी या फुटबॉल, बताओ भाई। एजरा कप पोलो, 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 बिल्कुल पोलो इसका सही ऑप्शन है, पोलो। एजरा कप पोलो, रोइंग नहीं, पोलो, अमित कुमार जी पोलो। ठीक है जो जो नए लोग आ रहे हो लाइक वाइक करते रहना भाई, ठीक है चलो आगे बढ़े आ जाओ।
हु इज द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया? हु इज द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण या के जी मुशरूवाला? इसका सही ऑप्शन मुझको बता दो। महात्मा गांधी, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण नहीं, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। अभी बफरिंग नहीं हो रहा होगा भाई, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी बफरिंग नहीं होने के चांस है, बस रिफ्रेश कर लो आप लोग। ठीक है, अभी बफरिंग का उम्मीद मुझे नहीं लग रहा कि होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सेकेंड क्लोज हो सकता हो, बिल्कुल सही, आयरलैंड। आप लोग तो तेज बच्चे हो भाई, आयरलैंड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इज यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का प्रयोग किया, किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? लिनन, यूसी टेटी, सो इमम। ठीक है, पता नहीं कौन सी लकड़ी होती है यार। मोरस अल्बा, सेलिक्स परिया या सिड्रस दियोदारा। चलो भाई इसको बता दो, बैट बनाने में कौन सा लकड़ी होती है भाई? सेलिक्स पर प्यूरिया। ठीक, सेलिक्स, बिल्कुल सही जवाब। When was the last telegram sent in India? जुलाई 14, 2013, अगस्त 1, 2013, जुलाई 30, 2013 या जून 14, 2013। अभी सिर्फ एक लोग का आंसर आया है जवाब का, मतलब इस क्वेश्चन का। नहीं, पहला जुलाई 14, 2013, बिल्कुल सही। 14 जुलाई 2013 को। ठीक है, बिल्कुल। हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड? ऑप्शन है आर के नारायण, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या सत्यजीत रे। चलो बताओ। चलो इसका आंसर बताइए, हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड, जल्दी से। आर के नारायण, बहुत बढ़िया सौरभ जी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, नन ऑफ द ऑप्शन, मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लाइव या मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी, बिल्कुल सही, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलो हाउ मैनी नोबल प्राइज अवार्ड्स वर अवॉर्डेड ईच ईयर? बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल सही, 6। आप लोग तो बहुत तेज हो यार। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फिकोलॉजी, सवाल है, फिकोलॉजी होगा इसको, साइकोलॉजी नहीं बोले इसको, फिकोलॉजी बोलेंगे। फिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी एंड
लाइकेन्स। चलो बताओ उस जल्दी से। बिल्कुल सही, अलगी। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। शैवाल, बिल्कुल सही, अलगी। सही है सही है सही। आंचल जी, रामकिशोर जी, बिल्कुल सही, अलगी। विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म मेड इन इंडिया, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? किशन कन्या, राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, आलमारा। आलमारा, आला, ये सब तो बच्चों को रटा रटाया है। चलो, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDB वॉज सेटअप इन July 68, July 66, July 64, July 62, बताओ। इसका सही ऑप्शन जल्दी से। बासठ नहीं भाई, July 64 है। July 64 है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? रोम, डायनेमिक रैम, इप्रोम, स्टैटिक रैम, बताओ। डायनेमिक रैम, बिल्कुल सही। विच US प्रेसिडेंट अनाउंस द न्यू डील फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन द aftermath ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन? अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट या जेफ कैनेडी? इसका ऑप्शन तो बताओ। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? जल्दी से। रूजवेल्ट, बिल्कुल सही। सही है सही है सौरभ जी, हाँ बिल्कुल सही है। आचल जी बिल्कुल सही, रूजवेल्ट ने किया था। यार आप लोग का तो बहुत तेज है भाई। चलो, मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल डिपॉजिट्स आर हेल्ड बाय? विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? USA रशिया, चाइना, चाइना इंडिया रशिया, इंडिया रशिया USA या चाइना इंडिया USA? जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर बहुत जल्दी से बताओ। चलो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब तो वो तो साफ साफ पता चल जाएगा। अगर एक भी हिंट दूंगा तो पता चल जाएगा आप लोग को। पहला ऑप्शन है USA रशिया चाइना, USA रशिया चाइना, ठीक है, USA रशिया चाइना। USA का है 22.6%, रशिया का है 14.4% और चाइना का है 12.6%, और इंडिया का सिर्फ है 7% है और ऑस्ट्रेलिया के पास है 8.9%, ठीक है। तो सही ऑप्शन है क्या? USA रशिया चाइना। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स ओनली, फॉसिल प्लांट्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स और एक्सटिंक्ट एनिमल्स ओनली? चलो जल्दी होता भाई इसका आंसर। रेड डेटा बुक भाई किसका विवरण दिया गया है, बस ये आपसे पूछा है, इंडेजन प्लांट का, फॉसिल प्लांट का, या इंडेजन प्लांट एनिमल्स दोनों का है, या एक्सटिंक्ट एनिमल्स ओनली? इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। चलो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर, 3 इंडेंजन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो,
पिक आउट द पर्सन एसोसिएटेड विद द क्वाइनिंग ऑफ द टर्म जीन. जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए. वॉल्डेयर, मेंडेल, जोहेंसन या मॉर्गन. जवाब दे दो भाई जल्दी से इसका. सही है मेंडेल, बिल्कुल सही जवाब मेंडेल. ठीक है ग्रेगर मेंडेल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. चलो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबॉलिश्ड जजिया. निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था. औरंगजेब, बलबन, अकबर, जहांगीर. ये क्वेश्चन तो भाई सबका आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ. ये तो आसान सवाल है. इसका सही ऑप्शन है क्या. अकबर. अकबर ठीक. अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया. इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर. बता जल्दी से सही ऑप्शन इसका. और इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है क्या. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ठीक. चलो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज. विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है. पेरू, अर्जेंटीना, इंडिया, ब्राजील. बता दो भाई जल्दी से. कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा है. बिल्कुल सही ब्राजील. ब्राजील ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर. एनीमोमीटर, एनिरॉइड बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर. चलो इसका जवाब दो जल्दी से भाई. सेकेंड ऑप्शन बैरोमीटर, बिल्कुल सही बैरोमीटर. हाइग्रोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर होगा ठीक है. ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन इज अ बुक रिटन बाय. बता जल्दी से. डिवेरिस, लामार्क, चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डिकेंस. जल्दी बता दो भाई इसका आंसर. चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही जवाब. थर्ड ऑप्शन चार्ल्स डार्विन. स्कर्वी इज कॉज्ड बाय. स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है. विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी. जल्दी से तो भाई. बिल्कुल सही विटामिन सी. विटामिन सी. अब सर भाई पानी पी लूँ मैं. 5 सेकंड होगा पानी पीने का, तब तक आप लोग इसका आंसर बता दो. अरे भाई प्रकाश में पानी क्यों नहीं पीऊंगा यार. पीने तो भाई पानी भी नहीं पीने दोगे यार, ऐसा मत करो. चलो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
बाय द। भारत के किस संविधान में अनुच्छेद 51 ए के मूल कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है? 42nd अमेंडमेंट, 43rd, 44, 45। और इसका ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सही, 42nd अमेंडमेंट। सब सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही, 42nd अमेंडमेंट पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट कोचीन, मुंबई, कोलकाता या पैरादीप? इसको बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही, मुंबई, आमची मुंबई। ठीक है, आ जाओ। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हो चुका था आई थिंक, चार्ल्स डार्विन इसके सही आंसर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द इचिंग ऑफ ग्लास वी यूज द एसिड। कोई बात नहीं प्रकाश भाई, अरे कोई बात जतिन भाई, प्रकाश भाई ठीक है, चलो हो गया, वो नॉर्मल का मजाक था प्रकाश भाई का, इतना सीरियसली मत लो यार, सब अपने दोस्त हैं। HF, HI, HBr या HCl? ठीक है, आंसर तो सब लोग जल्दी जल्दी से भाई, इसका आंसर बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन HF। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, 15-20 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग का करंट अफेयर का भी शीट बनाना है, वो भी तैयार कर दो क्योंकि मेन वही है। द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज द, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दूसरा चीज लिखा हुआ ना भाई, इसका सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इस चीज का वो डिफरेंस समझो, नेशनल तो है ही, लेकिन वो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसका सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी लास्ट फेमस एक्सपेडिशन टू हिंदुस्तान वॉज अगेंस्ट, महमूद गजनी के प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ या कालिंजार? इसका सही ऑप्शन बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, सोमनाथ मंदिर, ये तो बहुत फेमस था, आप लोगों को पता ही होगा सोमनाथ मंदिर। बिल्कुल सही, कन्नौज नहीं था भाई, सोमनाथ मंदिर था। द पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स या डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल विथ द प्रॉफिट कंट्री? चलो इसका सही ऑप्शन मुझको जल्दी से दे दो। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही पहला ऑप्शन, डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, उससे पर कैपिटा इनकम निकलती है। ठीक है, चलो। द सिख रिलीजन ओरिजिनेटेड विद द टीचिंग ऑफ, गुरु नानक, गोविंद सिंह, रंजीत सिंह, रामदास? चलो जल्दी से बताओ भाई। द सिख रिलीजन ओरिजिनेटेड विद द टीचिंग ऑफ इज प्रेजेंट विद इन द, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या साइटोप्लाज्म? जल्दी से बताओ। पैंतीस का दूसरा, इसका सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियस। ठीक है, लाइसोसोम नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द,
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, केंद्रक, देखो ये केंद्रिक है, ये न्यूक्लियोलस, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, वैसे है वही चीज, न्यूक्लियस में आएगा। चलो, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनी मैजिक आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही जवाब, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है। चलो, द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज, द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज, पादपों और जंतुओं की सर्वाधिक ऊर्जा मुद्रा है, इसके आंसर जल्दी से। बिल्कुल सही, एटीपी, बहुत सही, एटीपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन रॉय। विकास जी, अगर आजकल में रिजल्ट नहीं आया, राम मोहन रॉय, बिल्कुल सही, राजा राम मोहन रॉय, एडमिट कार्ड आ भी सकता है लेकिन मेरे हिसाब से पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि उस दिन कई एग्जाम पड़ रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 335, आर्टिकल 365, आर्टिकल 375, आर्टिकल 315। जल्दी से बताओ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण प्रदान किया गया है? जल्दी से, आर्टिकल 315 भी आंसर नहीं है, आर्टिकल 315 भी नहीं है, आर्टिकल 315 नहीं है भाई, हाँ आर्टिकल 335 है, आर्टिकल 335 है, 335 सौरभ गौतम जी का बिल्कुल सही है, ठीक है, आर्टिकल 335 है, याद रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है, बस कुछ सवाल करके फिर रिमेनिंग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, अप्रॉक्स आई थिंक 200-250 क्वेश्चन के ऊपर ही होगा। चलो, द टर्म NIFE रिफर्स टू, नीफे शब्द किससे संबंधित है, कोर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ओशियन फ्लोर या अर्थक्वेक। बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, भूमि के क्रोध, कोर ऑफ द, बिल्कुल सही। विथ इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन एटम्स, बढ़ती क्वांटम संख्याओं के साथ परमाणुओं में संलग्न ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर बढ़ जाता है, सतत रहता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है या कम हो जाता है, बताओ भाई। डिक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, जितिन जी बिल्कुल सही, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। द ऑनसेट रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड, जननात्मक जीवन के आरंभ को क्या कहा जाता है, मेनोपॉज, प्यूबर्टी, मैच्योरेशन या मेनार्क। चलो बताओ इसका आंसर।
सेकंड ऑप्शन प्यूबर्टी, बिल्कुल सही प्यूबर्टी, ठीक है प्यूबर्टी। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। विच वन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस विदाउट इम्पीचमेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बता भाई इसका आंसर। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं। मैं जान रहा था सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में क्लैश होगा। चलो अब मैं भी बता दे रहा हूँ कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ही आप बताओ सही आंसर। अब हम लोग बस पेपर ख़त्म ही हो चुका है, मतलब आगे रिमेनिंग वाला बाद में करेंगे, ठीक है। चलो इसका सही ऑप्शन है गवर्नर ऑफ अ स्टेट। जी रिचा जी बिल्कुल, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है इम्पीचमेंट का गवर्नर के लिए, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक। चलो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैलोरी, वेलोसिटी, वोल्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइप्लॉट प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिगुणित पादप है? जल्दी से भाई इसका। बफरिंग नहीं हो रहा होगा भाई, मैं रिफ्रेश कर लो, बफरिंग अब नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। सही है बनाना, बनाना, बनाना। वैसे भी अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, दो ही तीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बस दो तीन क्वेश्चन के, बस ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट नहीं है, दो तीन क्वेश्चन और हैं, आ जाओ उसके बाद अगली क्लास में करेंगे हम लोग। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सीवेज, स्मोक, लाउड स्पीकर या इंसेक्टिसाइड्स? जल्दी बताओ। स्मोक, बिल्कुल सही। हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 27, 36, 47, 17? और क्वेश्चन करना है बोलो, और क्वेश्चन कराऊं? सत्ताईस, बिल्कुल सही। चलो और क्वेश्चन करिए लो, आ जाओ, ठीक, करते रहो, करते रहो, चलो चलो चलो, कर रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। द सोर्स ऑफ रिवर वैगल इन इज इन द हिल्स ऑफ, वैगाई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? अमरकंटक, जावादी, वरुषनद या अगस्थियार? जब तक ये चलेगा तब तक पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई, टेंशन नहीं लो। अमरकंटक नहीं है, वरुषनद है, वरुषनद, ठीक है। रिवर वागाई इज इन द हिल्स ऑफ वरुषनद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सांबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? आचल जी का सही जवाब आया है सरयू, सरयू, बिल्कुल सही।
एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, मुझे डाउट लग रहा है वैसे, एक सेकंड रुक जाइएगा मैं आपको गलत है, सरयू नहीं होगा इसका आंसर, सरयू नहीं है इसका आंसर है महानदी होगा, नॉट सरयू इट्स महानदी, ठीक है। महानदी इसका आंसर है, सरयू नहीं है, महानदी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल महानदी। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बोलता था नहीं ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे मिस्टेक है, आ जाओ इसका सही ऑप्शन महानदी होगा, आ जाओ। हाँ हाँ महानदी बता दिया, महानदी पीछा जी महानदी होगा बता दिया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अरे महानदी है भाई, मैंने भी महानदी ही बोला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चलो बताओ। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इसका आंसर तो जल्दी से, नहीं सौरभ जी गलत जवाब है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। नम्रता जी बिल्कुल, नम्रता जी निखिल कुमार जी का सही जवाब है कर्नाटका, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश नहीं है कर्नाटका है, ये श्योर है कर्नाटका इसका सही ऑप्शन है, ठीक है कर्नाटका, कर्नाटका ठीक, आंध्र प्रदेश नहीं है, अच्छा जी कर्नाटका है, अफ्रीका। प्रकाश जी आपका नाम मैंने नहीं लिया, प्रकाश जी मैं नाम ले ले रहा हूँ आपका यार, भैया मैंने पहले जवाब दिया, हाँ ठीक 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 आपने सही जवाब दिया था, टू मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए टू आपने भी सही जवाब दिया था, कर्नाटका बिल्कुल सही। इसको ऑप्शन में दे दो भैया जल्दी से, स्टीप ग्रासलैंड इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है स्टीप ग्रासलैंड, जल्दी दे दो भाई, इसका सही ऑप्शन है अफ्रीका नहीं है, ऋचा पांडे जी अफ्रीका नहीं है, नो अफ्रीका, रशिया बिल्कुल सही, रशिया, रशिया। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, चलो ये तो अब पुराना हो चुका है, ये नहीं रहा पेपर में, हटाओ आ जाओ आगे बढ़ो। चलो कॉकरोच इज अ हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, सैंग्विवोरस या कार्निवोरस, चलो बताओ इसका आंसर, कॉकरोच क्या है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, सैंग्विवोरस है, कार्निवोरस है, रुधिरधारी नहीं है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, बी ऑप्शन है कॉकरोच इज ओमनीवोरस, कॉकरोच इज ओमनीवोरस, सी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन है, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, सैंग्विवोरस क्यों बोल रहे हो आप लोग, क्या बोलते हैं वो, ओमनीवोरस है कॉकरोच, ओमनीवोरस है, ठीक है ओमनीवोरस सही ऑप्शन है, ओमनीवोरस ही है, आ जाओ। इंडियन इनकम टैक्स इज इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव या डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, जल्दी से बताओ, याद रखना कॉकरोच ओमनीवोरस है, इनकम टैक्स वाला बता दो जल्दी से इसका आंसर, आगे विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही शालूपाल जी,
विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो यार आप लोग, डायनामो, वोल्टमीटर, ट्रांसमीटर या इलेक्ट्रोग्राफर्स। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, डायनामो। सौरभ आचार्य जी का बिल्कुल सही जवाब डायनामो। सौरभ आचार्य जी शुरू से क्लास तक जुड़े हैं, क्लास के अंतिम तक रहेंगे, बहुत बढ़िया। आकाश पटेल जी राधे राधे। 1 billion bytes इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। इसका आंसर बताइए भाई। वन बिलियन बाइट गीगाबाइट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नाबार्ड इज अ ब्यूरो, बोर्ड, डिपार्टमेंट या बैंक। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या है, ब्यूरो, बोर्ड, डिपार्टमेंट या बैंक। जल्दी से बता दो भाई। नाबार्ड एक बैंक है, बैंक। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, उपभोक्ता संतुलन में है या तभी कहा जाता है यदि हिज इनकम एक्सपेंडिचर आर इक्वल, he can fulfill his needs without consumption of certain items, या he is able to locate new sources of income, या he is able to fulfill his needs with given level of income। जल्दी से बता दो भाई। इसका आंसर अभी तक नहीं आया किसी का। अब सौरभ जी का आंसर आया है और फोर्थ ऑप्शन है, और यही ऑप्शन भी आपका फोर्थ। चलो भाई, जब आदमी का फुलफिल नीड फुलफिल हो जाएगा तो समझ इसका मतलब, और विथ गिवन नंबर ऑफ इनकम में, तो ऑब्वियस बात है उसका सेचुरेशन लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। ठीक है, सोशल कैपिटल ऑफ इंडिया इज, भारत की स्कूल राजधानी है बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ। बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ या देहरादून, जल्दी बताओ। इसका सही ऑप्शन बताओ जल्दी से, देखना है कौन जवाब देता है। दिल्ली और देहरादून में लड़ाई चल रही है। अच्छा, लखनऊ भी कूद गया है बीच में, बोल रहा है कि नहीं नहीं हम हैं। चलो तो, और ये लड़ाई जीतता है बहुत ही खूबसूरत जगह देहरादून, देहरादून। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है देहरादून। आ जाओ, द बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट, दिस इज कॉल्ड SLR, CBR, CLR या SBR। जल्दी से इसका जवाब दे दो। सही जवाब SLR। ये क्वेश्चन तो कॉमन है, सबको रटा होगा SLR। द सब्जेक्ट ऑन विच द बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन legislate are contained in, the state list, the concurrent list, residuary list, union list। option the answer to iska jaldi se। concurrent list, bilkul। chalo, not be suspended। भारत आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17। जल्दी से बताओ, और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सही, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21। चलो, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेंड इन पार्ट 4th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर दो इसका जल्दी से भाई। बिल्कुल सही, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4th ऑप्शन, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, सही है, सही है, पार्ट 3rd, बिल्कुल सही। प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ये तो सबको पता ही होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, आ जाओ आगे। बर्थडे, चलो ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। बर्थडे ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अक्टूबर अलॉन्ग विथ M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, टैगोर। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, लाइक शेयर कर देना। और अभी आपके लिए मैं बना रहा हूँ करेंट के लिए, करेंट पे अच्छे से ध्यान देना, करेंट पे अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल, ठीक है। और इस बीच जो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, जो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं इस बीच के, ठीक है, हाँ बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। मैं ठीक है, D-Day का स्टेटस आज आ जाना चाहिए, आज नहीं तो कल, मैंने ऑलरेडी उनको ट्वीट कर दिया है, चाहे तो आप मुझे रिट्वीट कर दो, ठीक है। Vishu@Vishu979 मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पे मुझको फॉलो कर सकते हो, Vishu979, आप मुझको इस अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो, मेरी एक खूबसूरत सी फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, बाकी और क्लासेस की चलेंगी, ठीक। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास, क्योंकि मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलो, श्योर, बिल्कुल सौरभ जी, श्योर, मिलते हैं अगली क्लास में, बेहतरीन क्लास में, ठीक है। तो सभी को राधे राधे, साथ बनाने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, PDF टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ से मिल जाएगी, करंट कब तक आएगी, बस बन रही है, मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, कल परसों तक उम्मीद है कि मिल जाएगी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, राधे राधे।